हाय हेलो नमस्कार प्रणाम, मैं हूँ मालती सिंह और आप लोग देख रहे हैं द सीतामढ़ी 2 बजे का लाइव। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि अभी सावन मास का महीना चल रहा है, बहुत अच्छा है, तो हम लोग इस महीने में मैं कोशिश करूंगी कि जितनी भी कहानियाँ सुनाऊँ वो भगवान शिव से जुड़ी हुई हों। चूँकि लॉकडाउन और कोरोना वायरस के वजह से लोग अभी कहीं भी जा नहीं पा रहे हैं, कहीं दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो सब बंद हैं, तो चलिए यहीं से याद करते हैं, बाबा जी को प्रणाम करते हैं, जयकारे लगाते हैं और कथा सुनते हैं बुधना की। जी, हमारे बिहार में एक छोटा सा गांव था, वहाँ एक बुज़ुर्ग थे, बुधना नाम था, और शंकर भगवान के बड़े असीम भक्त। अब हुआ क्या कि भाई पहले के ज़माने में तो टेक्नोलॉजी ये सब बहुत ज़्यादा नहीं था, और जो लोग जानते होंगे अमरनाथ यात्रा के बारे में, सॉरी केदारनाथ के बारे में, वहाँ उन लोग को ये पता होगा कि वहाँ नर नारायण पूजा होती है, यानी कि इतनी ठंड पड़ती है कि 6 महीने भगवान पूजा करते हैं और 6 महीने इंसान, इसीलिए नर नारायण पूजा कहा जाता है, यानी कि 6 महीने इंसान पूजा करते हैं नर, और 6 महीने शिव पूजा करते हैं, शिव की पूजा जो है वो नारायण करते हैं यानी विष्णु भगवान करते हैं। तो बुधना बस निकला अपने घर से कि चलो भाई भगवान के दर्शन किए जाए, केदारनाथ चला जाए, तो वो चला। लेकिन क्या हुआ ना कि पहले पैदल लोग बहुत यात्रा करते थे, तो चलते 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 क्या हुआ कि ठंडा का मौसम था, और ठंड के मौसम में ना वहाँ बंद हो जाते हैं दरवाजे, बंद हो जाते हैं, और बंद होने के सीधे 6 महीने बाद जब गर्मियाँ आ जाती हैं उसके बाद फिर से दर्शन के लिए वो पट खोले जाते हैं। बुधना को इतना पता नहीं था, सीधा साधा बंदा था, भगवान का नाम लेते भाई चलते पड़ते गिरते पड़ते पता नहीं कितने महीने चलने के बाद वहाँ पहुँच गया। और जब वो केदारनाथ पहुंचा और दरवाजे से थोड़े पहले ही था, शाम हो गई, तो देखा कि वहाँ से पंडित जी निकल रहे हैं। पंडित जी ने बुधना को देखा कि भाई कौन हो बाबा, उसने पूछा बड़े अच्छे से पंडित जी से कि आप कौन हैं, किस लिए आए हैं, तो बोला कि भाई हम तो बिहार से आए हैं और ऐसा है कि बाबा के दर्शन के लिए आए हैं। तो पंडित जी थोड़ा मुस्कुराए, बोले कि आप बड़े गलत टाइम में आए हैं, सो आज तो आखिरी दर्शन है, आज के बाद तो पट बंद हो जाएगा, उसके बाद 6 महीने के बाद ही पट खुलेगा, तो आप ऐसा कीजिए कि अभी आप चले जाइए, ऊपर तो बहुत ठंड पड़ती है, नीचे बस्तियों में चले जाइए, कहीं सोने वोने की व्यवस्था हो जाएगी, उसके बाद आप अपने घर चले जाइए, और अगले 6 महीने के बाद जब गर्मियाँ आएंगी और जब पट खुलेगा तब आप आइएगा दर्शन के लिए। बुधना बेचारा बोला कि साहब हम तो बहुत ही दूर से आए हैं, हम तो अब जाएंगे दर्शने करके जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। पंडित जी बड़ा समझाए, लेकिन बोले कि भाई मूर्ख आदमी, इसको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो पंडित जी अपना पूजा वूजा किए, जो ताला वाला मारना था, जो फॉर्मेलिटी थी अपना करके चले गए। अब बुधना वहीं सोचते सोचते भगवान का नाम लेते रहते वहीं बैठा रहा। शाम हो गया, शाम होने के बाद थोड़ा अंधेरा होने लगा, तो वो देखा कि एक आदमी उधर से थोड़े मैले कुचैले कपड़े, बहुत सारी बकरियाँ साथ में लेते हरकाते वरकाते आया। अब बोला कौन हो भाई तुम, क्या बात है बताओ, तो बोला कि भैया हम तो आए थे यहाँ बाबा के दर्शन के लिए, लेकिन ये पंडित जी कह रहे हैं कि अब तो भाई 6 महीने के बाद खुलेगा, सो क्या होगा, अब हम कैसे दर्शन करेंगे। तो वो आदमी जो था चरवाहा था थोड़ा मुस्कुराया, बोला खाने के लिए है कुछ तुम्हारे पास, तो बुधना बोला नहीं साहब हमारा पास तो कुछ नहीं है। हालांकि वो भी आदमी थोड़ा अजीब सा था, थोड़ा चरवाहा का जैसा वेशभूषा हो सकते हैं, गंदे फंदे से कपड़े, बड़ा सा चेहरे पे एक अजीब सा थे, तो उसने कुछ रोटियां निकाली, शायद खुद के लिए हो या बकरियों के लिए, उसने उसने बुधना को दिया, बोला अच्छा खा जाओ, ये रोटी खाओ और ये कंबल लो, ये ओढ़ के सूत जाओ यहाँ पे, सो देखते हैं क्या हो सकता है। बुधना वो रोटी खाया, कंबल ओढ़ा और सो गया, और जब वो अगली सुबह उठा तो वहाँ उतना ही भीड़ था और मंदिर का पट खुला हुआ था, पूजा हो रहा था। अचानक से मुख्य पुजारी निकला और बोला अरे आप तो वही है ना जो 6 महीने पहले यहाँ पे आए थे जिस वक्त पट बंद हो रहा था। तो वो आदमी बोला 6 महीने पहले, हम तो कल ही आए हैं, हाँ कल ही आए हैं, आज आप तो बोले थे कि आज दर्शन नहीं होगा, लेकिन आप तो मंदिर खोले हैं, आप तो हमसे झूठ बोल रहे थे कि मंदिर कल नहीं खुलेगा, देखिए आप मंदिर खोले हैं। पंडित जी ने सीधा बुधना का पैर पकड़ा, बोला कि भाई तू मेरे से बहुत ज़्यादा बड़ा भक्त है, तुझे शायद पता भी नहीं कि 6 महीने का काल तूने एक रात में गुजारा है, बाबा ने तेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की कि एक रात में तूने पूरे 6 महीने का काल तेरा उन्होंने निकाला है,
तू आज कल की बात नहीं कर रहा, तू जो बात कर रहा है वो 6 महीने पहले की बात कर रहा है, और 6 महीने के बाद मैं तुझे देख रहा हूँ। मैं नीचे था, पूरा मंदिर बंद था, कोई नहीं था, लेकिन तू बहुत जिद करने पे, भाई पंडित जी सारे लोग जमा हो गए, उन्होंने बताया कि आखिर ऐसा क्या है, इसमें क्या बात हुई। तब उसने बताया कि रात में तो एक चरवाहा आए थे, हमको रोटी दिए, बोले कि खा लो, सो बुधना ये कंबल ओढ़ के सूत जाओ, देखते हैं कुछ करते हैं। तो ये खुद जो वो जो चरवाहे थे वो खुद शिव थे, जिन्होंने आके बुधना की मदद की। उन्हें पता था कि वो भक्त है, बहुत भोला है, भगवान की ही शिव की तरह, और वो 6 महीने फिर नीचे जाके फिर इतनी लंबी यात्रा करके शायद दर्शन नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने पूरे 6 महीने का काल अपने कृपा से उस बुधना के लिए पूरे के पूरे निकाल दिए। तो वही बात है कि कई चीज़ है, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग सब कुछ समझते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन ऐसा हम लोग कुछ भी नहीं जानते। सब कुछ कहीं और से रेगुलेट होता है, सब कुछ करने वाला कोई और है, फल देने वाला कोई और है। हम लोग का काम बस इतना ही है कि हम लोग पूरे ईमानदारी के साथ जिस काम में लगे हैं, जिस भी काम में भक्ति में लगे हैं, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई खेती है, सीधा सा है, जो भी इंसान अपनी कर्म को प्रधानता देता है, पूरी ईमानदारी से अपने कर्म को निभाता है ना, उसके साथ भगवान खुद रहते हैं हर वक्त, वो हर कुछ देख रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं। तो इसी के साथ बोलिए शंकर भगवान की जय, नमस्कार।